हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है मंडे की और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे मैं ये बेडशीट वगैरह सब सही करके दोबारा से बिछा रही हूँ। मतलब ये है ना कि बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं तो पूरी वो निकल रही थी, तो मैंने इसे दोबारा से निकाल के फटकार के फिर सही से बिछा दे रही हूँ। और अभी गोलू के लिए टिफिन विफिन भी तैयार करना है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। कल तो संडे था, आज तो मंडे है, स्कूल जाएगा। तो अभी तो वो नहाया नहीं है, नहाएगा अभी, काफ़ी टाइम है, 8 बजे से है उसका स्कूल। तब तक मैंने कहा ये जो कपड़े वगैरह दीदी के रखे हुए थे तो ये सब तह करके रख दूँ और उसके बाद में तब तक वो नहा लेगा तो मैं उसके लिए लंच वगैरह बना दूँगी। और कहीं भी कुछ काम करने जाओ, श्याम पहले पीछे पीछे घूमता है, पर ये डर लगता है कि कहीं पैर पानी आने में मतलब फिसल जाए तो ये गिर जाएगा। तो बार बार मैं इसको बाहर बैठा के आ रही हूँ लेकिन नहीं, वो मेरे पीछे आ रहा है। और गोलू बोल रहा था कि मौसी मतलब मुझे टिफ़िन में पराठे नहीं ले जाने हैं, तो आज मुझे ना पास्ता बना दो, तो मैं पास्ता ले जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो, वैसे तो पराठे ही ले जाता है ज़्यादातर, तो मैंने इसको ये पास्ता बना दिया है। तो वो बोल रहा है थोड़े से मैं खा के जाऊंगा और टिफ़िन में भी लेके जाऊंगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो एक बार सुबह बन चुकी है लेकिन अभी ये दोबारा बन रही है। जिया जी बोल रहे थे चाय की कि अभी उन्हें पीना है दोबारा से, तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जो बर्तन वगैरह हो रहे थे चाय के या पास्ता वगैरह के, वो सब धुल के रख रही हूँ। और बस इसका स्कूल का टाइम होने वाला है तो बस ये जा रहा है जूते वगैरह पहन के। और इसका 8:20 का टाइम है मतलब एंट्री होने का स्कूल में, तो अब वो 8:05 तो हो ही गए हैं, तो बस ये निकल रहा है। और ये देखो ये पीछे पीछे घूम रहा है कि मुझे भी ले चलो। मतलब गोलू से तो उसका कुछ ज़्यादा ही लगाव है, उसके पीछे ही घूमना है उसको। ये देखो आगे से ही चल के पहले ही निकल के खड़ा हो जा रहा है ताकि मुझे तो लेके जाएगा ये। और गोलू के स्कूल जाने के बाद में फिर श्याम थोड़ी देर के लिए सो गया था, फिर मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो धुले और उसके बाद में नहा कर आ गई हूँ। अब मैं खाना बनाने के लिए तो आलू बैंगन की सब्जी पक रही है और साथ ही साथ मैं सेकती जा रही हूँ रोटियाँ। और ये है अगले दिन की वीडियो, यानी कि मंगलवार के दिन की वीडियो। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज दीदी भी आने वाली है महोबा से, मनोना धाम से। मम्मी के साथ में जब वो लौटी थी तो महोबा ही चली गई थी दीदी, तो एक दिन महोबा में रुक के फिर आज आ रही हैं, तो बस 9 बजे तक आ जाएंगी। वैसे तो ट्रेन लेट हो गई, नहीं तो 8 बजे करीब ही आ जाती। और अभी श्याम सो रहा है इस वजह से, नहीं तो ये ना झाड़ू के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई दे रहा होता। उसे तो कूड़ा बटोरने में बहुत मज़ा आता है, मतलब जो ढक्कन पॉलीथीन कागज़ कुछ भी मिल जाए कूड़े में, फिर उठा उठा के यहाँ रखेगा वहाँ रखेगा, ये करता है। पर अभी वो सो रहा है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और गोलू भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका है, उसका टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया है, बस थोड़ा अभी टाइम बाकी है इस वजह से वो अभी निकला नहीं है स्कूल के लिए। और यहाँ पर ये सोफ़ा के कवर कुशन ये सब सही करके सेट कर दूं। और मैं बोल रही थी कि ये सो रहा है लेकिन ये देखो जग गया है, ये देखो करवट बदलती हुई दिखाई दे रहे हैं। और मेरे चला ही लड़की नहीं,
और गोलू स्कूल चला गया था, उसके कुछ देर बाद ही दीदी आ चुकी हैं घर, और आज बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई थी, तो वही पापा जी का वहाँ से कॉल आया था, तो उन्हीं से बता रही थी कि आज बहुत ट्रेन लेट हो गई थी, इस वजह से अब पहुँच रही हूँ घर, और यहाँ पे चाय वगैरह दी थी अभी दीदी को, तो बस वही बातें कर रही थी। और उसके बाद में दीदी यहाँ पे स्कूल के लिए हो चुकी हैं रेडी, तो बस स्कूल भी जाना है अभी, तो 10 बजे के स्कूल हैं दीदी लोगों के, तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो 10 बजे ही के ही रहते हैं, तो बस वो टाइम से आ गई थी तो रेडी हो गई हैं, और दीदी निकल रही हैं स्कूल के लिए। का हॉर्न बज रहा था, वैसे ही ये आ चिल्लाने में लगा हुआ था, मतलब धुन में धुन मिला रहा था। कहाँ है लल्ला? लल्ला को दिखाओ, दिखाओ लल्ला को। ए, वो तो डर रहा है। दे 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 गोलू, दे दे, रख दे, डरा मत भाई। टाइम मैं और दीदी गए थे मार्केट तक, दीदी का कुछ काम था तो मैं भी गई थी दीदी के साथ में, तो वहाँ से लौटते टाइम रास्ते में ये लाइट वाले बलून बिक रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि चलो श्याम के लिए ले चलते हैं ये, तो वो लेके आए हैं, तो ये देखो कितना ज़्यादा मतलब खुश हो रहा है उसे देख के, और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं ये बलून। और बस मार्केट से आने के बाद में खाना वगैरह बनाया है, क्योंकि टाइम हो गया था, लेट हो गए थे वहाँ से लौटते टाइम, तो बस खाना ना सबका हो रहा है अभी, कुछ लोग खा चुके हैं जैसे बच्चे वगैरह, तो सब खा चुके हैं, और जिया जी लोग भी खा चुके हैं, बस मैं दीदी खाएंगे अभी। और श्याम को ना अपना जो बलून उसे लेके आए ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें कलरफुल लाइट लगी हुई है ना, वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो वैसे तो इसे खिलौने ज़्यादा मतलब जैसे गाड़ी वगैरह ले आते हैं, तो अभी वो गाड़ी वगैरह तो इतना मतलब नहीं इंटरेस्ट रखता है, पर ये ऐसे खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि इसमें लाइटिंग लगी है ना, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है उसे, तो बस उसे लिए बैठा है, जैसे हनुमान जी का गदा ऐसे ले के बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे कहीं कंधे में रख लेता है, ऐसे बलून को लिए घूम रहा है। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।